भाई एक एक पत्थर हटा हटा के निकालनी पड़ रही गाड़ी आज। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल भाटी मनोज। क्या हाल चाल है भाई सभी के? तो भाई अभी फिलहाल उठ चुके हैं और उठने में भाई लेट हो गए क्योंकि ना रात को लेट सोए थे। रात को ना हमको 3 बज गए थे भाई सोने में, क्योंकि वीडियो एडिट करी थी उसके बाद अपलोड करके फिर सो गए। और अभी 10 बजे तक वीडियो आ भी जाएगी, हमने लगा दिया भाई शेड्यूल लगा रखा 10 बजे का, तो 10 बजे तक वीडियो आ जाएगी। तो मतलब अभी हमको उठने में 9:30 हो गए थे भाई, इतने थके हुए थे, मतलब रात को 3 बज गए थे हमको वीडियो एडिट करते करते। तो देख लो भाई कितना मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में। तो अभी फिलहाल सारे रेडी हो चुके हैं भाई, और ये देखो हमने रूम की क्या हालत कर दी है। ये अपना रूम था भाई, ये अपना टीवी लगा हुआ था और ये सामने मिरर। भाई आज वीडियो अपलोड करना ज़रूरी था क्योंकि ना हमको नेटवर्क कहीं नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ पे ले में आके यही नेटवर्क मिले हैं, वो भी इस रूम में। मतलब हमको इस रूम वाले ने ही वाईफाई प्रोवाइड कर रखा है, तो इसलिए हमको वीडियो एडिट करी उसके बाद अपलोड करके फिर सुनते हैं। तो अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं और आज का सीन है भाई खारदुंगला पास जाने का, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है भाई। तो अभी वहाँ चलेंगे, उसकी एल्टीट्यूड हाइट है भाई 17,000 है लगभग, मतलब पहले 18,000 थी बता रहे थे, तो ग्लेशियर पिंगल के 17,500 बची है अभी। तो भाई वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है, क्योंकि हम पहले रुके थे ना वहाँ पे थी 16,000, तो वहाँ पे भी भाई ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी, सांस नहीं लिया जा रहा था। तो भाई अभी तो 17,500 है, तो देखते हैं आज क्या सीन रहेगा। तो फिलहाल एक बार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो भाई फिलहाल अभी ले से निकले थे और निकलते के साथ भाई इतनी हाइट मतलब चढ़ते जा रहे हैं। अपन को भाई अभी रास्ता बतानी है, तो अभी लगा रखी है भाई लोकेशन में तो भाई 40 किलोमीटर दिखा रखा है। वैसे अभी पब्लिक से पूछ रहे थे तो भाई कह रहे थे कि 45 से 50 किलोमीटर तो है ही है, तो उसमें लगेगा आपको 2 से 2.5 घंटा। तो अभी हम देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है हमको। और भाई आपका मौसम देखो ऊपर चढ़ने के बाद, क्या खतरनाक मौसम हो रहा है। और भाई बादल देख रहे हो आप, कैसे मस्त मौसम हो रहा है यार, बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर बादल आ रखे हैं और बिल्कुल काले बादल हो रखे हैं। और अभी हमको ऊपर ही चढ़ते जाना है, मतलब 40-50 किलोमीटर ऊपर ही चढ़ना है, और इसी 40-50 किलोमीटर में ना 6,000 फीट ऊपर चढ़ना है हमको। तो देख लो कितनी चढ़ाई होने वाली है। तो अभी हम ना लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर ही आए हैं, और उसमें ही देखो आप पूरा आपको लेह का व्यू दिख जाएगा। ये देखो कितना मस्त व्यू लग रहा है लेह का ऊपर से। तो अभी यहाँ से निकलते हैं यार पहले, और आज खारदुंगला पास जाएंगे, उसके बाद देखते हैं काका प्लान बनेगा। मे भी हो सकता है हम खारदुंगला से नुब्रा वैली जाए या फिर पेंगोंग लेक जाए। हमको ना खारदुंगला के बाद 2 चीज़ कवर और करनी है, नुब्रा वैली और पेंगोंग लेक। तो देखते हैं उसके बाद क्या सीन बनेगा, जो भी मतलब रास्ते में पड़ जाएगा ना पहले वहाँ जाएंगे। तो भाई बता तो रहे थे भाई खारदुंगला से नुब्रा वैली पहले पड़ेगा, तो मतलब उसी के रास्ते में पड़ेगा वो। तो देखते हैं भाई उसके बाद क्या सीन बनता है, पहले एक बार खारदुंगला पास हो जाते हैं उसके बाद बताते हैं आपसे। तो भाई अभी रास्ते में पेट्रोल पंप मिला था पहला, और यहाँ से अपना पेट्रोल फुल करवा लेते हैं। वैसे तो हमारे पास इसमें है अभी 4 डंडे, मतलब हाफ टैंक है ऑलमोस्ट। और अभी टाइम हो गया भाई 10:40, और ये रास्ता देखो कैसे कैसे रास्ते दिखा रहा है भाई, यहाँ से 35 किलोमीटर दिखा रखा है और 1 घंटा 35 मिनट का रास्ता है यहाँ से। परमिट चाहिए तो तीनों के था आईडी 2 मिनट है, परमिट बनेगा यहाँ पहले। अच्छा, तो आईडी ले जा, बिना परमिट आगे ना जाना देंगे। तो भाई यहाँ पे इस पेट्रोल पंप के सामने आपकी चेकिंग होती है, यहाँ से परमिट लेनी पड़ती है। हमको पता नहीं था भाई कौन सी परमिट है, तो ये बोल रहे हैं कि अभी ना आपको तीनों की आईडी जमा करवानी पड़ेगी यहाँ पे। पेट्रोल फुल करवा लेते हैं उसके बाद देखते हैं। और भाई यहाँ पे पेट्रोल का रेट है भाई 103 रुपये लीटर, 103 रुपये लीटर पेट्रोल है। अभी देखते हैं कितना पेट्रोल आएगा यहाँ पे। अपना लगभग 25 लीटर पेट्रोल आ जाएगा शायद, 25 लीटर आया है भाई 2590 रुपये का। तो अभी भाई पेट्रोल भी फुल करवा लिया है, यहाँ से एक बार चेकिंग करवा लेते हैं उसके बाद निकलेंगे। हमने फिलहाल परमिशन ले ली है यहाँ से, यहीं से परमिट बना लेते हैं, और पर बंदे का ना 500 रुपये चार्ज करते हैं। मतलब ना आप लोग लद्दाख में भी बनवा सकते हो डीसी ऑफिस में जाके ये चीज़, तो मतलब वहाँ पे भी मतलब 450 में बन जाता है, और यहाँ पे लेते हैं 500 रुपये, वो साथ साथ बना लेते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। तो भाई यहाँ से हमने बनवा लिया, 500 रुपये लिया पर पर्सन, और यहाँ पे चेक करवा लेते हैं एक बार, ये सामने चेकिंग होती है। तो भाई ये खारदुंगला के रास्ते देख लो, बिल्कुल जिगजैग वाले रास्ते हैं और ऊपर ही चढ़ते जा रहे हैं। देखो एक ही पहाड़ से, ये देखो ऊपर गाड़ी दिख रही होगी आपको छत की, भी बिल्कुल कैसी गाड़ी लग रही है, छोटी छोटी सी। तो भाई ये खारदुंगला पास है, ये देखो यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग है यार। ये ना पहले वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड था, तो अब पता नहीं इसे ये सेकंड हो गया, पता नहीं क्या बात है, यहाँ पे ग्लेशियर पिघल के हो गया है। अभी पहले था 18,000 कुछ फीट की ऊंचाई पे, और अब है 17,800 कुछ, अभी दिखाता हूँ कितना है, ये है अब 17,982, मतलब 18,000 ही है यार। तो मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस ओनली यहाँ पे फोटोज़ खिंचवा सकते हो आप आगे।
और देखो सब फोटोज खिंचवा रहे हैं, कितनी भीड़ लग रही है यहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए। और ये देखो गाँव पर चढ़ गए हैं। तो भाई यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी कम रहता है। और ये देखो यहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ आ चुके हैं यहाँ पे। तो हम भी एक बार फोटोज़ वगैरह खिंचवा लेते हैं यहाँ से, फिर निकलते हैं। तो भाई यहाँ पे फोटोज़ वगैरह खिंचवा लिए है, ये देखो सब फोटोज़ खिंचवाते हैं। और ऊपर चढ़ गए, ऊपर नहीं चढ़ेंगे भाई हम, क्योंकि सांस की दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। उसी जन लेवल का क्या होगा, ऊपर बर्फ़ ना चलना पड़ेगा, आके मिल जाएगी, कोई दिक्कत यार दिक्कत हो जाएगी। यहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे जगह भी ना भाई, मतलब चलते चलते फोटो खिंचवाने पड़ते हैं। और मौसम देखो बारिश भी आ रखी है हल्की हल्की। तो अभी भाई फोटो तो खिंचवा लिया यहाँ से। ये देखो भाई कितनी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे। और ये मौसम देखो, नीचे तक बादल आ रखे हैं, बादलों के नीचे तक। और अभी यहाँ से निकलते हैं यार, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है। रोड देखो आप कैसे है, ये बिल्कुल जिगजैग वाले रोड है। अभी हमको नीचे उतरना है। तो भाई बोलते बोलते भी सांस चुक गए। तो भाई खा दूंगा फैमिली कर चुके हैं यहाँ से। और ये देखो कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे, सब बर्फ़ का इंजॉय भी कर रहे हैं। और ये देखो भाई रोड कैसे है यहाँ के, बिल्कुल टूटे फूटे रोड है, बिल्कुल डेड है रोड। भाई दो तीन भाई मिले थे, वो बोल रहे कि आपको सैल्यूट है, आप ये गाड़ी यहाँ तक ले आए। और वो भी अलॉय व्हील में, व्हील में मतलब गाड़ी तो आ सकती है, लेकिन इन ये वाले अलॉय लगा के 16 इंची, मतलब हमारे जो टायर का जो मतलब वो है ना, जो प्रोफाइल है वो बहुत ज्यादा लो है। तो इसलिए बोले कि भाई यार मतलब कैसे ले आए तुम इन गाड़ी को, टायर फटा नहीं, मतलब कह रहे यार मतलब सैल्यूट है। तो मगर भाई ले आए बस, बड़े प्यार से लाए, कोई दिक्कत हमें आई नहीं भाई, कोई खास दिक्कत नहीं आई, क्योंकि रोड काफ़ी अच्छे बने हुए। एक दो जगह आती है गाड़ी ना बीच में टिकती भी है, पर प्यार से निकाल लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी टिकती है पर भाई ड्राइवर अपना ठीक होना चाहिए, मेन बात ड्राइवर की होती है। बिल्कुल अपना भाई स्लोली स्लोली चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। रोड ज़्यादा खराब हो रहा है, यहाँ का रोड ज़्यादा खराब है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे देखो बर्फ़ आ गई, यहाँ पे सब बर्फ के फोटोज वगैरह खिंचवाते हैं। और रोड देखो यार, रोड कितने खराब हो रखे हैं यहाँ के, यहीं पे रोड खराब थे, बाकी तो रोड सारे सही थे जहाँ तक हम ऊपर चढ़ते आए थे। अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, नुब्रा वैली की तरफ। और ये देखो बारिश भी चालू हो गई है हल्की हल्की। तो भाई हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हुई थी, और बारिश के साथ साथ ना स्नो फॉल भी स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की, ना ओल्ड की तरह आ रहे हैं जैसे बर्फ़ होती है ना। मैं दिखाता हूँ अभी आपको, गाड़ी पर पड़ी हुई है, देखो दिख रही है आपको, ये आपको दिख रही होगी, देखो छोटी छोटी जैसे अपने वहाँ पे ओले पड़ते हैं ना, उस टाइप के छोटे छोटे पड़ रहे हैं, बिल्कुल बारीक बारीक। अभी भाई हम यहाँ से जाएंगे नुब्रा वैली, तो वो यहाँ से बिल्कुल नीचे जाके हैं, मे बी शायद 60-70 किलोमीटर है नीचे जाके। तो वहाँ पे एल्टीट्यूड कम हो जाता है, यहाँ पे दवाई बोलते बोलते सांस चढ़ रहे हैं इनको। कपिल को और इसने तो भाई अपनी ऑक्सीजन दे लिया, एक एक ट्रिप नॉर्मल है ना, बिल्कुल नॉर्मल है। दो स्प्रे मार लो, ये देखो इसकी टाट में पड़े हुए भाई, ये देखो दो स्प्रे लगा लो ऑक्सीजन के, बिल्कुल नॉर्मल है। तो भाई रिकमेंड यही रहेगा, क्योंकि कभी आओ तो अपनी गाड़ी बढ़िया होनी चाहिए, और एक ड्राइवर बढ़िया होना चाहिए, और ऑक्सीजन बिल्कुल साथ लेके आओ भाई, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो अभी यहाँ से निकलते हैं यार, निकल ले कपिल। क्यों होगा, दिक्कत होगी, हल्की हल्की दिक्कत हो रही है, जैसे जैसे बोल रहे हैं ना उसी हिसाब से दिक्कत आती जा रही है। सुनो जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं ना भाई, बहुत सही रहा, हम तो एक लाए पर एक से भी हमें बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि हम बीच बीच में एक आधा ट्रिप इसका ले लेते हैं, तो काफ़ी फायदा हो रहा है। मैं तो ये कहूँगा अगर दो तीन जने आ रहे तो दो तीन सिलेंडर ले आओ, ठीक है। यहाँ पे यही सिलेंडर हम 500 का लाए थे अपने गुड़गांव से, तो यही सिलेंडर यहाँ पे 1700-2000 कोई 2500 मांग रहा है इस सिलेंडर के, तो अपना ये अपने वहीं से लेके आओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो भाई ये रिकमेंड है अपना, कभी आओ तो ऑक्सीजन सिलेंडर बिल्कुल साथ लेके आओ, कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना इससे। भाई यहाँ पे आओगे लेना तो आपको पड़ेगा ही, देखो ठीक है, यहाँ पे आपको महंगा मिलेगा, यहाँ पे आपको मतलब 1700 ओले पड़ रहे हैं, ओले ओले पड़ रहे छोटे छोटे, भाई मिल भी सकती है, हो भी सकता है, मौसम देखिए तो खराब हो रहा है, मौसम खराब हो रहा है पूरा। कैंप फिर यहीं लगाऊंगे आज, नुब्रा वैली में लगाऊंगा, वैली में लगाएंगे कैंप। तो सुन अगर टाइम रहा तो आग दिन कट लगे यार, उसके बाद पेंगोंग लेकर रास्ता है बहुत दूर का, वहां ना पहुंच पाओ, 200 किलोमीटर है। तो भाई ये देखो बारिश मतलब ओले तेज होते जा रहे हैं, पटाए पट रहे यहाँ पे, जैसे ना मतलब अपने वहाँ पे पड़ते हैं ओले, उस टाइप के ओले पड़ रहे हैं, मतलब चलो फुल नहीं है अभी ये। और यहाँ पे आगे मौसम देखो यार, भाई पक्की गारंटी है आज चलो फुल होगी होगी यहाँ पे। ये देखो भाई अंदर आने लग गए ओले अपने, अंदर आ गए वही कपिल। ये जो बर्फ पड़ी है ना स्नो फूल ना, ये इसी टाइप के ओले हैं, ये देखो भाई सब कितने टुकड़े तकड़े इतने मोटे मोटे वाले आने लगे भाई, गाड़ी भर गई अंदर से, ये देखो ये बर्फ है,
साइड में देखो कितने ओले जम गए, ओले पड़ेंगे, ठंड पड़ेगी, स्नोफॉल हो सकती है, स्नोफॉल पक्की है, आज ठंड पड़ेगी, स्नोफॉल है, ओले पड़ेगा ठंड ऑटोमेटिकली पड़ गया। ये देखो भाई हमारा बम्पर पूरा भर चुका है ओले से। बोरी लिया और भी ज्यादा हो रही होगी। देख मौसम नीचे की तरफ इतना खतरनाक हो रहा है, इस साइड तो पहाड़ दिखी जाता है। तो भाई फिलहाल नुब्रा वैली पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ना राफ्टिंग भी होती है आगे, और यहाँ पे भाई कैंप है फौजियों के, BSF के कैंप है भाई यहाँ पे। और ये देख लो भाई यहाँ का नज़ारा कैसा है। अभी भाई यहाँ पे हम बना रहे हैं अपनी सब्जी, आलू मटर हो गया होगा गर्म तो आलू मटर क्या है रहे है? आलू मटर, ये भाई हल्दीराम का आलू मटर है। आलू मटर सारे खेत से ही तैयार कर रखे हल्दीराम वाला ने, रेडी टू ईट। इसमें तो कुछ इंकी सी मैं खा रही है, तू पड़ो हमला। ये भाई रोटी बनवा के लाए थे रास्ते में, तो बहुत इक्की दुक्की जगह जहाँ आटे की रोटी मिल रही है, नया मैदा पहले है ये देखिए पापड़। ओए ये मैदा तो ना है, है तो आटा लेकिन पापड़ है, कुछ पतली पतली सी है ना, फटाफट खाने। तो भाई फिलहाल नुब्रा वैली से निकल लिए थे खाना वाना खा के, तो वहाँ पे कुछ था नहीं ऐसा देखने का, तो वहाँ पे मतलब एक राफ्टिंग थी, आप राफ्टिंग जरूर कर सकते हो आप वहाँ पे आके, और तो बाकी इतना कुछ था नहीं खास। तो हमने सोचा कि मैं आज सीधा पेंगोंग लेक निकल जाए, और ये भाई पेंगोंग लेक का रास्ता है, पेंगोंग लेक है भाई यहाँ से 130 किलोमीटर, और ये रास्ता देखो कैसा है, बिल्कुल पूरा ऑफ रोड रास्ता है, और साइड से भाई नदी बह रही है, अभी दिख नहीं रही यहाँ से, आगे जाके दिखाते हैं। और बिल्कुल छोटा सा रास्ता है यार, आगे से गाड़ी आ जाए तो साइड में दामने की जगह नहीं है। तो भाई नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक के जाते वक्त रास्ते में देखो ये वाटर क्रॉसिंग आई है, एक और दूसरी बड़ी बड़ी प्यार से निकालनी पड़ती है यहाँ से यार। फुल ऑफ रोडिंग कर ली यार, स्विफ्ट की भी हिम्मत है, इतनी थी भाई इतनी ऑफ रोडिंग हम कर सकते हैं, जो भी साइड देख रहा था कह रहा भाई हिम्मत तारी। और भी अलॉय व्हील लगा के तुम इतना, मतलब ये लगा लो नदी के अंदर जा रही है, कभी कहीं जा रही है कभी कहीं जा रही है। भाई ये रास्ते देख लो आप कैसे रास्ते हैं, और साइड में भाई रिवर बह रही है, बहुत तेज बहाव आ रहा है भाई, सिंगल रास्ता है, कुछ नहीं दिख रहा दूर से 50-60 किलोमीटर आगे, ना कोई गाड़ी आई, ना कोई आदमी, ना कोई आदमी की जात, ना लुवाई वापस आए हो क्या, पत्थर है क्या, पत्थर नहीं है आगे, जैसे ये ऊपर से बारिश आती है ना, उसके कई जगह वो है पॉइंट है, रोड तोड़ रखा है पूरा, तीन चार जगह तो हमने चढ़ा ली थी, आगे रही कि कम से कम इतनी ऊंचाई है, दो फुट का हुआ वो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर बड़ी खींच के चढ़ी है, तो वही देख के वैसे वापस घुमा रहे। कितनी दूर है वो, आगे तक घूम के आना, घूम के आ जाए, लेकिन आगे जाना फायदा नहीं है। अच्छा देख लेंगे, पत्थर पत्थर लगा के चढ़ा लेंगे यार, पत्थर तो पड़े होंगे, रोड बना लेंगे। देखो भाई क्या फुल एडवेंचर रोड है भाई, व्हाट कैन आई अचीव देयर, कहाँ चढ़ गया हम यार आज ही। तो भाई यहाँ से रास्ता खत्म हो जाता है, ये पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, ये ऐसे रास्ता आ गया पूरा ऑफ रोड वाला, ऑफ रोडिंग रास्ता आ गया। देखो भाई पूरा ही ऑफ रोड है, देखो ना इस साइड कुछ है, ना इस साइड कुछ है, कोई रोड नहीं है, पूरा ही ऑफ रोड आ गया। छोटी गाड़ी तो भाई एक भी नहीं दिखी अभी तक हमको, छोटी है बड़ी भी ना दिखी, एक आया था गोवा का नंबर था भाई, वो कह रहा कि वापस हो जाओ यहाँ से, आगे रास्ता नहीं है। फिर तो हमारी पहली शिफ्ट हो जाएगी भाई, जो मतलब इतना ऑफ रोड करके और इतना सर्वाइव करके, और ये पेंगोंग मतलब नुब्रा से और पेंगोंग वाले रास्ते पे निकल जाएगी, क्योंकि ये भाई बहुत डेंजरस रास्ता है, आप देख रहे होगे यार वीडियो में, शुरू से ही ऐसा रास्ता आ रही है।
भी अलॉय लगने के बाद, वो भी अलॉय लगने के बाद टायर की जो प्रोफाइल है वो भी बहुत कम है मेरे वाले की, तो पता नहीं यार ये निकल जाए बस। ये देखना आगे से तो कुत्ती यार, और रोड है, रोड तो दिखी जा रहा है, तो ही ना देखते हैं क्या भाई। फिलहाल ना लास्ट में अटक गई है, अब यहाँ से कहाँ से लेके आए देख के, भाई वो पूरी ऑफ रोडिंग करके यहाँ तक तो ले आए हैं, और अब यहाँ से भाई पानी बह रहा है, मोटे मोटे पत्थर पड़े हैं भाई, यहाँ से गाड़ी निकालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, हमारी गाड़ी तो नहीं निकल सकती भाई, चार कंधे बनानी पड़ेगी यार, यहाँ तक कहाँ गाड़ी आ रही है, ऊँची होती तो आ जाती है कभी, ऊँची होती तो आ जाती, तो भाई कोशिश कर रहे हैं आज कि गाड़ी निकल जाए बहुत धीरे धीरे से, आराम आराम से लेकर जाओ गाड़ी, ले गया मेरी गाड़ी नहीं ले लिया लिया लिया, यहाँ तक तो निकल जाएगी कोई दिक्कत ना, यहाँ तक तो लिया 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 आराम से, भाई साहब फुल ऑफ रोड हुई सिर्फ से आज, ओ एक मिनट रुक जा, किस साइड, इस साइड से, इस साइड से ले आ, इस साइड से ले, ओ ये पत्थर का बहुत धीरे धीरे निकाली जाते हैं, नहीं ये पत्थर पीछे डरा दोगे कटी, आराम आराम से ले गई हो, मेरी कंडी ले, मेरी कंडी, मेरी कंडी ले, भाई साहब फुल ऑफ रोडिंग हो गया तो स्विफ्ट गेल, भाई एक एक पत्थर टाट टा के निकालनी पड़ रही गाड़ी आज, एक बार निकल जाएगी भैया, अब यहाँ तक कैसे निकल लूँ बता, मेन चैलेंज तो वही हो है, यहाँ से देखते एक बार पानी वाले ना यार, दिक्कत तो ना आए तेरी, अब भाई ये वाटर क्रॉसिंग है, ये देखते हैं कैसे पूरी होगी, कपिल बहुत धीरे धीरे निकालियो, एक मिनट रुक जा, पत्थर हटा दे साइड में, एक बार लिया 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 आने दे, ये भाई वाटर क्रॉसिंग हो रहा है यहाँ पे, फुल ऑफ रोडिंग हो गई ये शिफ्ट के साथ आज, बहुत स्लोली धीरे धीरे करके आराम से आराम से, आ जा लिकड़ के लिकड़ के, आ जा लिया लिया कोई दिक्कत ना, आप तो ये देख लो भाई कैसे रोड है, हमने सोचा नहीं था इतने भी बेकार रास्ते मिलेंगे हमको आगे, भाई बहुत भयंकर रिस्क लिया आज हमने, कुछ भी दिक्कत होगी ना छोटी सी भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ना नेटवर्क आ रहा है यहाँ पे, ना सिम में कुछ आ रहा, ना आदमी मिल रहा, ना कोई दुकान है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, हमारे साथ साथ भाई पीछे वाले और आ गए, टियागो ले रखी है उन्होंने, टियागो वाले भाई और आ गए, पत्थर ही गए, पत्थर कितने मोटे मोटे हैं यार, यहाँ से कैसे निकलेगी, एक मिनट रुक जा, यहाँ से निकालनी भाई मुश्किल है, चलो देखते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे लेकर आइयो, लिया लिया सीधा कर, चलेगा मेरी साइड, लिया लिया आराम से लिया,
लिया लिकड़ गया जा लिया लिया लिकड़ गया जा अब यहाँ तक देख अंदर जा यहाँ से देखते हैं कहाँ से लिकड़ेगी अरे यहाँ तक आते लिकड़वा में आराम आराम तो चढ़ा चढ़ा चल 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 लिया लिकड़ की लिकड़ गया जा ये लो भाई और वाटर क्रॉसिंग आगे लिया आ जा नीचे राजा भाई साहब ये देखो कितनी तेज भाव आ रहा है इसमें वाटर का ये वाटर का भाई भाव बहुत तेज है यहाँ से देखते हैं कैसे निकलती है वो देख पत्थर के देख साइड इधर कांटे खाती इंजन काट में यहाँ से और निकल जाए गाड़ी फुल ऑफ रोड कर दिया तो भाई साहब हिम्मत है बार मतलब इतना ऑफ रोड करके पैंट ऊपर करनी पड़ेगी पैंट साइड पे यहाँ तक कितना है ले ऊपर ले ओए इस साइड ले इस साइड से सही आऊंगी देखिए अगला कितना है पैदल चल गए आते हैं है? देखता हूँ मैं कितना ओ भाई साहब बिल्कुल ठंडा पानी है ओए आ जाओगी आ जाएगी पत्थर ना है मैं पत्थर का मैं आ जाएगी आ जा पूरी काट देंगे बहुत देर आराम आराम चले जाओ कभी और काट देंगे ना काट दे भाई साहब आराम से ले बिल्कुल आराम से कति प्यार से ले गई हो पिछले 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 भिड़ेगी नहीं चला दो सुन यहाँ पत्थर गिरने पड़ेंगे हम लोग कुछ कुछ भी ना दिक्कत ना पत्थर गिरने के बाद पत्थर गिरने पड़ेंगे हमारे भीतर कैंप पर बटक घर है पत्थर गिरना पड़ेगा ना है कति कति भिड़ जाती इस पे डंडा डाल लिया दो डंडे पर स्लो पत्थर गिर देगा दो चार पत्थर गिर दो चार पानी बना देगा पत्थर बहुत धीरे धीरे लगे यार भाई सब डूब गई गाड़ी गति परली साइड बच जावे लिया 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 चढ़ेगी लिया चढ़ेगी चल 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 जान दे लिया लिया चढ़ेगी चल 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 गई लो भाई चल भाई चढ़ा दी ये देखो एक बड़ी लास्ट ये हो रहेगी यार करांगे जब तक करांगे भाई हाथ तक आके तो करनी पड़ेगी अब तो करनी पड़ेगी भाई देख पत्थर मैं डंडा मार मार देख लिकट जगह आता तो है पत्थर हटाई पटे रहते छोटे छोटे तो पत्थर हटा दे बड़े बड़े हटा दे सारे भाई साहब यू अच्छी बड़ी वाटर क्रॉसिंग तो वहाँ ना जाना नहीं था कति आराम आराम चलाइयो इस साइड कट पत्थर इंगन है हाँ लिया लिया आराम आराम चलेगा आ जाके देखा मेरे ओए यहाँ हो इतना बड़ा पत्थर यहाँ तो यहाँ तो बीस निकालनी पड़ेगी यार पैर सुनोगे बहुत ठंडा पानी है भाई साहब बहुत ठंडा पानी है पैर और सुनोगे आज तो अच्छे फंसे यार बट कोशिश कर रहे हैं आज तो निकालने की गाड़ी कति आराम आराम से निकाल दे हाँ लिया लिया अब इंगन काट मारी कहीं काट मारी कहीं काट चल चल जान दे बहुत आराम आराम से लियो भाई साहब देख रहे हो पातली गाड़ी पड़ रही गाड़ी यार रुक जाके देखता हूँ मैं कहाँ तक पार कर गई है देख लो पूरे पानी में तो पार कर गई है भाई गाड़ी फुल ऑफ रोडिंग लिकाड़ ले रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आता है पानी पूरा साफ है
ले भाई फाइनली निकट गई है ऐसे गाड़ी अपनी। भाई एक बात, हम वापस जाने की सोच रहे थे, मैं भाई वापस हो लेते हैं ऐसे, पर हिम्मत करके लिखा नहीं थी भाई, पूरा पार करके आ गई यहाँ से। दोबारा से ऑफ रोड हो गया भाई, यहाँ तक तो लिकट जाएगी, लिया लिया यहाँ तक तो लिकट जाएगी भाई। 2-1 किलोमीटर चलने के बाद दोबारा से ऑफ रोडिंग आ गई, देखो पूरी कैसे पत्थर पड़े इतने भारी भारी, आगे देखनी पड़ेगी आगे क्या कैसे हुआ। लिया प्लेन है लिया 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 देख रहे हो भाई, कुछ नहीं है आसपास, कुछ नहीं है, अरे चोर तो रुक जाएगा मिनट। पत्थर लगाने पड़ेंगे थोड़े से यार, नितिन पत्थर लगाने पड़ेंगे थोड़े। भैया पैसे लिकट जाएगी भाई साहब, ये आनत होगी मारी आज। आने दे इस पत्थर से, वो तो उस इस पत्थर से लियो, इस पत्थर पे टायर चढ़ाइयो। लिया लिया रुक जाएगी मिनट, यहाँ तक वापस भी ना जा सकते अब यार, बहुत तगड़ी ऑफ रोडिंग हो रही है तुम्हारे साथ यार। पत्थर हटा नितिन, पत्थर हटा एक मिनट रुक जा, हटा इसने हटा, इसको बेटा लिया अब है, अरे थोड़ा अभी जाएगा और उसे देख कर एक बार लिया। तो भाई फाइनली गाड़ी अपनी निकल चुकी है और अब भाई रोड आ गया है फाइनली, तो अब देखे आगे जाके और नहीं मिल जाए यार, मैं तो हिम्मत टूट जाएगी दोबारा भाई, इतने मोटे मोटे पत्थर थे ना यार, ये लगा लो कैसे गाड़ी निकाली है पता नहीं भाई, बहुत हिम्मत करके गाड़ी निकाली यार। मतलब यार ये थार जैसी गाड़ियां अटकती है, क्रेटा थी वो अटकती है, बताओ ये पता नहीं कैसे निकाल रहा है, हमें ही नहीं पता। दोबारा से ऑफ रोड आ गया यार, ज्यादा ना है भाई साहब, मेन तो ये आया है, देखो कितनी तेज बहाव है भाई पानी का, कभी खींच के डाल दो, खींच के भाई साहब, ओ तेरी गए ओए, यो तो चली गई, हम कैसे जावे, देख लो कैसे जाना पड़ रहा है, कहां फंस गया जब पानी, देखो कितनी तेज बहाव है भाई पानी का, यहाँ से निकाल के ले गए गाड़ी को अपनी को, देखो बहुत तेज बहाव है, सुन तुसे मां मत चल, फंस गया अब इसको कैसे पार करें यार, बात तो पूरे फंस गए, चप्पल चप्पल बैग इसकी दो, अच्छा जल्दी फटाफट चल बैठ जाने चढ़ के ऊपर ने,
तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुका भाई पेंगोंग लेक। ये देख लो सामने, ये हमारे पेंगोंग लेक अभी दिख नहीं रही भाई, सुबह दिखाएंगे। और ये गाड़ी खड़ी कर दी है भाई, और भाई काफी मतलब 10 बजे पहुंचे हैं। सारे कॉटेज फुल हो चुके थे भाई, अभी ये उन्होंने ना नया कॉटेज बना रखा था, तो भाई ये कॉटेज मिला हमको एक, इनके पास भी एक लास्ट ही बच रहा था ना ये। और भाई जिससे पूछ रहे थे ना, मतलब कोई 5,000 बता रहा, कोई 6,000, तो मिल ही नहीं रहे थे। वैसे तो फुल ही है सारे, कपड़े कुपड़े चेंज कर लिए। हमारी गाड़ी ने भाई बहुत साथ दिया आज, है कपिल? बहुत साथ दिया ना, गाड़ी ने होती ना अपनी तो पता ना क्या होता भाई। स्कॉर्पियो थी, एक ब्रेक का ऑयल निकल गया तो उसके ब्रेक फेल हो गए भाई, तो गाड़ी उन्होंने वहीं खड़ी कर दी भाई अपनी शिफ्ट की। भाई शिफ्ट ने बहुत साथ दिया आज यार। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो अब मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।